दोस्तों ये है महिंद्रा स्कॉर्पियो S10 2015 का मॉडल है, 2015 मॉडल। और इस गाड़ी की जो है एसी की जो कूलिंग है वो थोड़ी सी कम हो गई है, और दूसरा जो इसमें एसी वेंट में जो हवा आती है, हवा का जो फ्लो है वो बहुत ज़्यादा कम हो गया है। तो किस रीज़न से कम हो गया वो इस वीडियो में बताएंगे, तो वीडियो को आप कंटिन्यू देखते रहिए। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं इसकी जो एसी केबिन फिल्टर जो लगा होता है, तो यहाँ पर जो इसका ग्लोव बॉक्स जो होता है साइड में, तो इसका ग्लोव बॉक्स खोलने के बाद में इसका एसी का फिल्टर निकलता है। तो हमने एसी का फिल्टर निकाल लिया है और इसका ग्लोव बॉक्स ये भी खुलवा दिया है। फिल्टर दोस्तों यहाँ पर ये रहा, और इसका जो एसी का जो फिल्टर होता है दोस्तों, कई बार क्या होता है कि फिल्टर जब बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है, चोक हो जाता है, तब भी एसी की जो हवा है हमारी एसी वेंट में जो आती है, ब्लोअर फैन मोटर की जो हवा होती है वो कम हो जाती है। तो एसी का फिल्टर आप देख सकते हैं ये पूरी तरह से ये भी चोक हो चुका है, इसकी लाइनें पूरी तरह से बंद हो चुकी हैं। तो ये फिल्टर जो है ये भी हम अभी निकाल कर दिखा रहे हैं, और दूसरा निकालेंगे इसकी ब्लोअर फैन मोटर। तो ब्लोअर फैन मोटर जो है डैशबोर्ड के नीचे की साइड में, ये ग्लोव बॉक्स निकालने के बाद में यहाँ पर ये साइड में लगी होती है, दिखा दूँ आपको, ये सामने की तरफ आपको दिख रही है, ये होती है इसकी ब्लोअर फैन मोटर जो कि अंदर की साइड में लगी होती है। तो इसकी ब्लोअर फैन मोटर के जो पर हैं दोस्तों वो आप देख सकते हैं, उन पर काफ़ी मिट्टी जमा हो गई है, क्योंकि ये गाड़ी जो है 2015 का मॉडल है, और अभी तक मेरे ख्याल से शायद किसी ने ये इसकी ब्लोअर फैन मोटर कभी खोली हो। तो ब्लोअर फैन मोटर क्या होता है, जब कंटिन्यू चलती है या और इतने साल हो गए हैं, तो इसमें क्या होता है इसके जो परों पे मिट्टी पकड़ लेती है, और उसकी वजह से ब्लोअर फैन मोटर भारी घूमने लगती है, और उसकी हवा का फ्लो भी काफ़ी कम हो जाता है, और ये नॉइज़ भी करने लगती है। तो फाइनली हमने सभी खुलवा लिया बाहर, और इसका जो एसी का फिल्टर है वो भी हमने निकाल लिया है। तो एसी का फिल्टर दोस्तों आपको दोबारा दिखा दें, इसकी जो लाइनें हैं अंदर की, इसके जो पर्दे हैं वो उसके अंदर पूरी तरह से कचरा जमा हो चुका है, जिसकी वजह से ये मिट्टी धूल की वजह से पूरा ये जाम हो गया है फिल्टर। तो ये फिल्टर हालांकि अभी इसमें हम हवा लगा देंगे। तो दोस्तों ये है इसकी ब्लोअर फैन मोटर, और जो ब्लोअर फैन मोटर की जो हवा कम होने का सबसे बड़ा जो रीज़न होता है वो यही होता है, जो कि इसके परों पर आप देख सकते हैं, इसके परों पर मिट्टी जम गई है। तो मिट्टी जब ज़्यादा तादाद में जम जाती है तो ये भारी हो जाते हैं, और भारी होने के बाद में इसकी स्पीड भी कम हो जाती है, और ये नॉइज़ भी करने लगती है। चलिए इसको साफ़ करवाते हैं अभी। तो अभी इसकी सफाई का काम चल रहा है, आप देख सकते हैं इसमें काफ़ी तादाद में सूखी मिट्टी जो है वो सभी परों पर अच्छी तरह से जमा हो गई है, और इसी की वजह से ये परों पर ज़्यादा लोड होने की वजह से मोटर जो है भारी घूमने लगती है, और भारी घूमने की वजह से मोटर आवाज़ भी करने लगती है। और दोस्तों ये वैगनआर भी हमारे पास में, इसमें भी सेम यही काम हो रहा है जो हम स्कॉर्पियो में कर रहे हैं। तो इसका भी हमने ब्लोअर फैन मोटर खोली है, उसको भी साफ़ किया है, एसी फिल्टर हम चेंज कर रहे हैं, और इसका जो एसी कंडेंसर है आगे वाला सबसे फ्रंट में जो लगा होता है, तो ये भी क्या होता है दोस्तों चलते चलते, क्योंकि सबसे आगे सबसे टॉप पर यही होता है बम्पर के बाद में, तो इस जो भी धूल मिट्टी गंदगी कीड़े मकोड़े जो भी घुसते हैं वो एसी फिन्स के अंदर, इस जाली के अंदर घुस जाते हैं, तो उसकी वजह से ये पूरी तरह से बंद हो जाता है, और उसकी वजह से हवा ठीक से पास नहीं हो पाती है। तो इसको भी साफ़ करना ज़रूरी होता है, जब भी कभी एसी की सर्विस कराएं तो ये जो कंडेंसर है सबसे फ्रंट वाला, इसको भी साफ़ करवाएं। और ये गाड़ियां भी दोस्तों हमारे पास में जो आई हुई हैं सभी, कुछ एसी के लिए आई हैं, कुछ सर्विस के लिए आई हैं। तो दोस्तों हमारे पास में जो है सभी गाड़ियों का काम होता है, लोग हमारी वीडियो देखते हैं उनको लगता होगा जमाल भाई सिर्फ महिंद्रा गाड़ियों का काम करते हैं, तो ऐसा नहीं है, हमारे पास में किसी भी कंपनी की कोई सी भी गाड़ी हो सभी गाड़ियों का काम होता है। अगर आप भी ये वीडियो देख रहे हैं तो आप भी अगर आना चाहते हैं तो हमारे पास में आ सकते हैं, चाहे आपकी कोई सी भी गाड़ी हो। और ये वैगनआर की हमने ब्लोअर फैन मोटर साफ़ की है, बिल्कुल आप देख सकते हैं चमका दिए, जबकि इस पर काफ़ी मिट्टी थी, ये मैंने आपको दिखाई नहीं थी ये, क्योंकि कई सारी गाड़ियां भी खड़ी हुई हैं, इसी हिसाब से हम स्कॉर्पियो की ब्लोअर फैन मोटर भी साफ़ करेंगे और लगवा देंगे। तो ये वैगनआर की हमने साफ़ की है, क्योंकि इसकी भी जो हवा का फ्लो है वो काफ़ी कम हो गया था। और ये कम्प्लीट करने के बाद में अभी हम स्कॉर्पियो पर चल रहे हैं, क्योंकि स्कॉर्पियो का भी काम चालू है, और स्कॉर्पियो बराबर में खड़ी आप देख सकते हैं, उसका भी सेम यही काम चल रहा है, बाकी उसकी सीटें वगैरह भी हमने खुलवाई हैं, क्योंकि अंदर काफ़ी सफाई भी इसकी करना थी। और दोस्तों आप जहां कहीं से भी हमारी वीडियो देख रहे हैं, अगर आप आना चाहते हैं तो मैं अपना मोबाइल नंबर, अपना व्हाट्सएप नंबर जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप मेरे से कॉन्टैक्ट करके और टाइम लेकर आ सकते हैं। और हमारे पास में सभी तरह की सभी कंपनियों की गाड़ियों का काम होता है, और काम जो है दोस्तों बहुत तसल्ली बख्श किया जाता है हमारे यहाँ पर, कोई जल्दबाजी नहीं, क्योंकि गाड़ी में काम जो होता है एक बार में अगर अच्छे तरीके से हो जाता है तभी गाड़ी चल के देती है। अगर नंबर चाहिए तो नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और दोस्तों ये रहा स्कॉर्पियो का एसी कंडेंसर,
तो एसी कंडेंसर आप देख सकते हैं दोस्तों, ये तो बहुत ज़्यादा गंदा हो गया है, आपको देखने से ही पता लग रहा होगा, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी भरी हुई है और ये पूरा काला काला दिख रहा है। तो ये मेरे ख्याल से काफ़ी समय से साफ़ भी नहीं हुआ है, तो चलिए इसको हम साफ़ करवाते हैं अभी अच्छे तरीके से। तो दोस्तों ये एसी कंडेंसर जो होता है इसको भी साफ़ कराना बहुत ज़रूरी होता है, और आप इसे घर पर भी साफ़ कर सकते हैं, या फिर आप कभी भी सर्विस स्टेशन पे अगर गाड़ी धुलवाने जाते हैं तो उसको बोल के भी साफ़ करवा सकते हैं। बस ध्यान ये रखना होता है दोस्तों कि अभी जैसे ही आप देख सकते हैं गंदगी निकल रही है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा काला हो चुका है और इसमें मैल मट्टी यहाँ पर ही निकल रही है। ध्यान बस इतना रखना है कि प्रेशर वाले के पास में, सर्विस स्टेशन वाले के पास जब भी कभी आप जाते हैं तो उसको बोल दें कि भाई इसमें डायरेक्ट पतली धार मत लगाना, धार का जो है फुहारा बना लेना, फुहारा बना के तब लगाएं, क्योंकि अगर डायरेक्ट पतली धार लगा दी तो इसकी जो एसी की जो कंडेंसर की जो फिन्स हैं, जो जाली है, वो मुड़ जाएगी, और मुड़ जाएगी तो फिर कोई फ़ायदा नहीं साफ़ कराने का, फिर तो वो और बंद हो जाएगा, चोक हो जाएगा। तो अभी इसको अच्छी तरीके से हम साफ़ करवा रहे हैं ताकि इसके अंदर की सारी गंदगी बिल्कुल बाहर निकल जाए, और जब इसके अंदर की सारी धूल मिट्टी गंदगी सब निकल जाएगी तो सामने से लगने वाली हवा इसमें अच्छे तरीके से पास हो पाएगी और एसी का कूलिंग भी बढ़िया काम करेगा। तो फाइनली दोस्तों इसका जो एसी कंडेंसर है वो पूरी तरह से साफ़ हो चुका है, आप देख सकते हैं इसके जो फिन्स हैं, इसकी जो जाली है वो अच्छी तरीके से साफ़ हो चुकी है, इसके अंदर की जो धूल मिट्टी कचरा जो भी था वो सारा बाहर निकल गया है। तो दोस्तों इसमें हम थोड़ी सी एसी की गैस भी टॉपअप करेंगे, क्योंकि गैस भी थोड़ी सी इसमें कम है, तो गैस टॉपअप करने के बाद में हम इसमें जो है इसका, क्योंकि हमने इसका ब्लोअर फैन मोटर में साफ़ कर दी है, एसी का फ़िल्टर हमने साफ़ करके लगा दिया, वही फ़िल्टर लगाया, उसको हमने हवा वाले प्रेशर से साफ़ कर दिया अच्छे करके, तो वो एकदम साफ़ हो गया, नया हो गया बिल्कुल। और इसकी ब्लोअर फैन मोटर हमने साफ़ करके लगा दी है, इसका एसी का कंडेंसर जो था जो फ्रंट में लगा हुआ था वो आपको दिखाया अभी, उसकी भी धुलाई करवा दी अच्छे तरीके से। तो ये सब काम करने के बाद में, और बाकी अगर आपकी गाड़ी में एसी की गैस कम है तो गैस टॉपअप करा दें, और गैस टॉपअप कराने के बाद में दोस्तों ये जो काम हो गए तीन चार काम, तो ये छोटी एक माइनर सर्विस होती है एसी की, तो इतना अगर आपने करा लिया तो भी आपकी गाड़ी की कूलिंग बढ़ जाती है। तो अभी दोस्तों हमने एसी की गैस इसमें टॉपअप कर रहे हैं, और दूसरी चीज़ ये है कि इसकी कूलिंग जो है अब पहले से बेहतर हो जाएगी, और ये छोटी सर्विस जो है वो काफ़ी काम करेगी। तो ये दोस्तों महिंद्रा स्कॉर्पियो है S10, और अभी दोस्तों हम गाड़ी के अंदर आ गए हैं। गाड़ी के अंदर आने के बाद में, क्योंकि बाहर का टेम्परेचर तो जो है 35 से ऊपर हो रहा है, और जैसे ही गाड़ी के अंदर आए हैं तो 33 आपने मीटर में भी नोटिस किया होगा, और बाकी इसके एसी वेंट में हम लगाकर इसकी कूलिंग भी चेक करेंगे, क्योंकि ये गाड़ी जो है 2015 का मॉडल है, 8 साल पुरानी है, तो इसमें बोले तो जब भी कोई गाड़ी 8 से 10 साल पुरानी हो जाती है तो इसकी जो एसी की जो मोटर है, जो एसी कंप्रेसर जो कहलाता है, एसी कंप्रेसर भी 8 से 10 साल में थोड़ा बहुत कमज़ोर हो जाता है, क्योंकि गाड़ी जब 8-10 साल चला रहे हैं आप कंटिन्यू, तो उसमें वो चलते चलते उसके अंदर के जो पिस्टन वगैरह हैं वो कमज़ोर पड़ जाते हैं, तो उतनी बढ़िया कूलिंग नहीं आती। लेकिन फिर भी इतनी पुरानी होने के बाद में भी, 8 से 10 साल पुरानी होने के बाद में भी कूलिंग जो है उसकी वो ठीक ठाक पहुँच जाएगी। लेकिन अगर आप बहुत चिल्ड चाहते हैं तो फिर इसका एसी कंप्रेसर जो, अगर आपकी गाड़ी 8 से 10 साल पुरानी हो गई है और बहुत ज़्यादा एसी पे चली है, तो फिर कंप्रेसर मोटर 10 साल के बाद निकाल कर चेंज कर देना चाहिए, तो कूलिंग जो है आपकी वो बहुत बढ़िया, बहुत चिल्ड हो जाएगी जैसे कि आप चाहते हैं। फिलहाल इसकी कूलिंग सही है और अभी हम चेक कर रहे हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को हमारे सब्सक्राइब करना ना भूलें।